के बाद जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके साथ साथ पूरा परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, खुशी से झूम उठता है। और हर किसी के मन में एक डाउट होता है, एक मन में एक बहम होता है कि घर में हमारे होने जो नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा वो क्या होगा, एक बेटा होगा या बेटी होगी। और जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, तो उनको भी ये जानने की एक इच्छा होती है कि क्या होगा, हमारे घर में पल रहा शिशु है वो क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी। जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसके बाद उसके मन में लड़का या लड़की का विचार जो है होने लगता है, आने लगता है। हालांकि पहले के 3 महीने में किसी भी तरह का लिंग की पहचान करना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है जैसे 5वें महीने बाद ये लक्षण जो है दिखने लगते हैं कि लड़का है या लड़की है, जिसका हम पता लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप यही जानेंगे, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि गर्भवती महिला को कौन सी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है लड़का होने पर, क्या परेशानी होती गर्भवती महिला को जिससे वो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो क्या क्या दिक्कत होती है आपको, क्या क्या परेशानी होती है, तो वो आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए लोगों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला होता है आपके पेट का निचला हिस्सा जो है फूला हुआ होना, तो ये लड़का होने पर अक्सर होता है। यदि गर्भ में लड़का है तो 5वें महीने में पेट का निचला हिस्से का भाग जो अत्यधिक फूल जाता है और नीचे की तरफ लटक जाता है और भारीपन अधिक महसूस होता है, तो ये लड़का होने पर होता है। और दूसरा होता है थकान महसूस होना आपको 5वें महीने में। क्या होता है, गर्भ में बच्चे का विकास होता है जिससे उसका वजन जो है बढ़ जाता है और साथ ही साथ महिलाओं के पेट का वजन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें कोई भी काम करने के बाद जो है थकान महसूस होती है, कभी कभी उन्हें थकान के कारण कमजोरी भी महसूस होती है, तो ऐसा भी होता है लड़का होने पर। और क्या होता है, शरीर में कई हिस्सों में दर्द का अनुभव होता है, जिसके 5वें महीने में लड़का या लड़की होने पर महिला के को कई अंगों में दर्द होता है। और जब वह कोई काम करती हैं तो कमर में, पीठ में, टांगों में दर्द महसूस होता है, यहाँ तक कि पैरों में भी सूजन आ जाती है, और अक्सर ये प्रॉब्लम होती है गर्भवती महिला को। तो ये लक्षण फ्रेंड कहा जाता है कि लड़का होने पर ये लक्षण अक्सर दिखाई देते हैं गर्भवती महिला के बॉडी में। पर आपको एक चीज़ बता दें, ये लक्षण जो है कोई भी लक्षण 100% वर्क नहीं करते हैं, ये लक्षण पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इन वीडियो को हम सिर्फ एक इंजॉयमेंट के तौर पे देख सकते हैं और हमारी वीडियो का मकसद कोई बेटा और बेटी में भेदभाव करना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।